वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का IUPAC डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होता क्या है, अगर हमें वो समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ब्रांचिंग या फिर सब्स्टिट्यूएंट के टाइप्स कितने होते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है नॉर्मल अल्काइल ग्रुप या नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट और एक होता है कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट हम उसे कहते हैं जो या फिर जिसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। फ्रेंड्स, मतलब वो मेन चेन का ब्रांच तो है सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन उसके अंदर और कोई ब्रांचिंग मौजूद नहीं है, उसे हम लोग बुलाते हैं नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। सो द सब्स्टिट्यूएंट्स व्हिच डू नॉट कंटेन एडिशनल ब्रांच इन इट इज सेड टू बी नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में ब्रांचिंग होती है। इसका मतलब ये है कि वो खुद तो सब्स्टिट्यूएंट है, खुद तो एक ब्रांच है पैरेंट चेन के रिस्पेक्ट में, बट उस ब्रांच के अंदर, उस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एडिशनल ब्रांचेस हैं जो उसको कॉम्प्लेक्स बना देता है, जो उसको एक अलग तरह का सब्स्टिट्यूएंट बना देता है, और उसे हम लोग बुला रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और इसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मेरे अल्केन में मौजूद होगा तो उसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज़ वीडियो। नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स के एग्जांपल्स आप ले सकते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सारे स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप्स हैं, इसमें कोई आपको ब्रांचिंग मिलने वाली नहीं है, ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का एग्जांपल हम लोग लेंगे और उनकी IUPAC को हम लोग सीखेंगे। एक बार हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को नेम कैसे करना है वो लर्न कर लिया फ्रेंड्स, तो कॉम्प्लेक्स अल्केन्स को नेम करना बहुत आसान है। तो लेट अस स्टार्ट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की IUPAC। ठीक है, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट? आई टोल्ड यू द सब्स्टिट्यूएंट व्हिच कंटेन ब्रांचिंग देमसेल्फ, उनके खुद के अंदर अगर ब्रांचिंग हो जाती है फ्रेंड, तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स को हम बुलाते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब आप यहां पे जरा ध्यान से देखिए, हैव अ लुक, दिस येलो डॉटेड लाइन विच यू आर एबल टू सी, दिस इज योर पैरेंट चेन। ठीक है, अब ये पैरेंट चेन कितने भी कार्बन का हो सकता है। जनरली अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होता है तो पैरेंट चेन की लेंथ 8 से ज्यादा होती है। ठीक है, 8, 9, 10 कार्बन चेन की लेंथ होती है, तो ये आपका पैरेंट चेन हो गया। क्योंकि मुझे पैरेंट चेन से कोई लेना नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैंने इसे येलो डॉटेड लाइन के तौर पर दिखाया हुआ है कि इसमें कितने भी कार्बन हो सकते हैं। बट हैव अ लुक, यहां देखो फ्रेंड, ये जो आप सब्स्टिट्यूएंट, ये जो आप अभी देख पा रहे हो, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये है आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और क्यों मैं इसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कह रहा हूं, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी आपको ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। इसी का अगर हम लोग, ये देखिए मैंने एक पैरेंट चेन बना दिया है, और आप ये सब्स्टिट्यूएंट को देखिए, दिस सब्स्टिट्यूएंट इज अ नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट बिकॉज इट डू नॉट कंटेन एनी ब्रांचिंग इन इट, बट इसके अंदर ब्रांचिंग है कि नहीं, यस, एंड देयरफॉर इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। चलिए रूल नंबर वन, जो कार्बन पैरेंट चेन को लगा हुआ है, द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पैरेंट चेन इज रिटन एज 1-. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाई 1-, व्हाई नॉट 1? तो फ्रेंड 1, 2, 3, 4 का नंबरिंग तो हम लोग ने पैरेंट में यूज किया रहेगा ना, उसको नेम करने के लिए। ठीक है, तो हमने 1- यूज कर लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगला रूल ये है, पहला रूल तो मैंने आपको बता दिया कि जो कार्बन पैरेंट से डायरेक्टली लगा हुआ है उसे इमीडिएटली 1- दे दीजिए, बाकी काम बाद में देखिए। चलिए आपने कर दिया, इसके बाद उस डायरेक्शन में जाइए जहां पर आपको ज्यादा कार्बन मिले। अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको एक एडिशनल कार्बन मिलेगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एक एडिशनल कार्बन मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप उस डायरेक्शन में जाइए जहां पे आपको ज्यादा कार्बन मिल सके, तो पॉसिबिलिटी तो एक ही है, चाहे आप ऊपर जाएं चाहे आप नीचे जाएं, आपके पास दो ही कार्बन का चेन आने वाला है। तो फ्रेंड जरा ध्यान से देखिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को नेम करते टाइम आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल करना, यू हैव टू यूज दिस ब्रैकेट। ब्रैकेट यूज किया आपने, इसके बाद आप उस लोकेशन को स्पेसिफाई कीजिए जिससे वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स पैरेंट को लगा हुआ है, हमारे केस में है 1-. 1- को कौन सा ग्रुप लगा हुआ है फ्रेंड्स? 1- को ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल। 1- को ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल, 1-. और ये दो कार्बन के चेन को हम लोग इथेन नहीं बुलाएंगे फ्रेंड्स, वी विल कॉल देम इथाइल, विल कॉल देम इथाइल। आप बोलेंगे सर क्यों नहीं इथेन बुलाया? क्योंकि फ्रेंड्स अल्केन के फॉर्म में नेमिंग आप सिर्फ पैरेंट की कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कभी भी हम लोग अल्केन के फॉर्म में नहीं करते। We always name it in the form of alkyl.
I hope this makes sense to all of you. So this is the name of this complex substituent, 1-methyl ethyl. Now let's move to another one. आगे की तरफ पढ़ते हैं. ये देखिए friends, ये जो आपका कार्बन है जो पैरेंट यानी येलो लाइन को लगा उसको इमीडिएटली दीजिए 1-. Now go in that direction where you can find maximum number of atom. तो यहाँ जाइए 2-3-4-. देखिए आपको चार कार्बन मिल गए. अब जरा ध्यान से देखिए 1- कार्बन पे क्या लगा हुआ है. 1- कार्बन पे फिर से आपको मिथाइल ही देखने को मिल रहा है. 1- मिथाइल और चार कार्बन क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, चार कार्बन ब्यूटाइल. सो ये हो गया आपका 1-methyl ब्यूटाइल. दिस इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट. तो ठीक है, मैं वापस से रिकैप करा देता हूँ. जो कार्बन पैरेंट को लगा हुआ है उसको इमीडिएटली 1-. इसके बाद आप उस डायरेक्शन में जाइए जहाँ पे आपको ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं, वो आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का पैरेंट बनने वाला है. तो चार कार्बन का हमारा जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पैरेंट बन गया ब्यूटाइल. इसके बाद वो ब्रांच जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कहाँ लगा हुआ है उसकी लोकेशन और उसका नाम लिख दीजिए, ब्रैकेट में इनक्लोज कर दीजिए. कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई वहां पर. ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स. ये देखिए इमीडिएटली इसको दिया 1-2-3-4-. ठीक है फ्रेंड्स, कर दिया इसको. अब आप जरा ध्यान से देखिए आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है, वो कौन से नंबर पे आ रहा है. इट इज कमिंग एट 3rd पोजीशन. सो आई विल राइट 3-methyl. चार कार्बन हो गया फ्रेंड्स ब्यूटाइल. ठीक है फ्रेंड्स, 3-methyl ब्यूटाइल इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए एक और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया हमारे पास. देखिए फ्रेंड्स, रूल हमारा वही रहेगा. ये हो गया नंबर 1-1 लिख देते हैं, 2-3-4-. चलिए बताइए फ्रेंड नेमिंग कैसे करेंगे. ब्रैकेट लगाना पड़ेगा. 1- पे ग्रुप है, 2- पे ग्रुप है, 3- पे ग्रुप है. ठीक है फ्रेंड्स, कितनी बार है, 3 बार है. बेसिक रूल तो वही रहेंगे. ट्राई कौन है, वो मिथाइल, और चार कार्बन के अल्काइल का नाम ब्यूटाइल. सो 1-2-3- ट्राई मिथाइल ब्यूटाइल इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट. लेट्स मूव अहेड. Now for this complex substituents, this is 1-, this is 2-, this is 3-, this is 4-, and this is 5-. अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको 5 कार्बन की चेन मिलती है, और अगर आप नीचे जाते हैं तो आपको 4 ही कार्बन की चेन मिलेगी. तो आपको ऊपर जाना चाहिए, आपको ज़्यादा कार्बन की चेन वहाँ मिलने वाली है. इसके बाद ब्रैकेट लगाइए 1- पर. ये कौन सा ग्रुप है फ्रेंड्स, 1, 2, 3. ये देखिए, ये हो गया आपका प्रोपाइल. 1- प्रोपाइल पेंटाइल. 1- प्रोपाइल पेंटाइल इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट. अगला आ गया फ्रेंड्स, अगला. ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हैव अ लुक. इमीडिएटली दिया इसको 1. अब कहाँ जाऊँ फ्रेंड्स, कि जहाँ पे ज़्यादा कार्बन मिले, 2-3-. ठीक है फ्रेंड्स, अब आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, ब्रैकेट लगाइए 1- यहाँ पे मिथाइल, ऊपर है मिथाइल, 3 कार्बन प्रोपाइल. 1- मिथाइल प्रोपाइल इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट. तो ये कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स थे आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्लग दिस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्केन्स एंड वी विल ट्राई टू नेम कंप्लीट अल्केन्स. ठीक है, हम लोग पूरे अल्केन का कंप्लीट नाम लिखने वाले हैं जब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होता है. चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं. नाउ हैव अ लुक, ये एग्जांपल आपके सामने है. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास पैरेंट कितने कार्बन का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 कार्बन पैरेंट, राइट. उसके 3 नंबर कार्बन पे आपको लगा हुआ है मिथाइल. मिथाइल एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है. ये आपका है फ्रेंड्स मिथाइल, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स है. ये देखिए यहाँ पर ये लग गया है आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट. ये आपका लग गया है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसकी नेमिंग हमें करनी पड़ेगी. तो ये देखिए, ये जो कार्बन जो मेरे पैर, अब आप देख रहे थे ये जो येलो लाइन थी वो 9 कार्बन चेन है इस समय. ठीक है, तो ये जो कार्बन है जो येलो लाइन को लगा हुआ है, इमीडिएटली दीजिए इसको 1-. फिर आप उस डायरेक्शन में जाइए जहाँ पे आपको ज़्यादा कार्बन मिले, इसको लिखिए 2- और इसको लिखिए 3-. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसका अगर हम लोग नाम लिखें, ये इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का अगर हम लोग नाम लिखें तो कैसे लिखेंगे. देखिए इस तरह से लिख देंगे हम लोग, ब्रैकेट लगाएंगे 1-2- डाइमिथाइल प्रोपाइल.
ठीक है, 1-2-dimethylpropyl आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया फ्रेंड्स। अच्छा अब जरा ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए, 3 नंबर पर मिथाइल है और 5 नंबर पर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको शायद मालूम होगा कि जब भी डाई, ट्राई, टेट्रा ये यूज होते हैं नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के केस में, जब आपके पास नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट होता है और अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हो, तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स में डी, टी और टी ऑफ टेट्रा को इग्नोर करते हैं IUPAC नेमिंग में, बट कॉम्प्लेक्स में डी, टी और टेट्रा का टी ये हमारे IUPAC अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में आने वाले हैं, सो वी हैव टू इंक्लूड देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो आई थिंक इतना तो ABCD सभी को आता है। यहाँ पे M है और यहाँ पर D है, आप ही बता दीजिए किसको पहला लिखना चाहिए। यस, द कंप्लीट नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी 5-, 5 नंबर पे लगाए ना फ्रेंड्स, 1-2- डाइमिथाइल प्रोपाइल एंड 3-methyl नोनेन। ठीक है फ्रेंड्स, ये 9 कार्बन को नोनेन बुलाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इस मॉलिक्यूल का नंबर। अब आ जाइए नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ। देखिए फ्रेंड, देखकर ही पता चल जाता है कि यहाँ पर ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये आपका नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। देखिए फ्रेंड, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कॉम्प्लेक्स को पहले लिखना है, नॉर्मल को बाद में लिखना है, नॉर्मल को पहले लिखना है, कॉम्प्लेक्स को बाद में लिखना है, ये सारे के सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे बेस्ड है। तो हम लोग थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं साइड में। रफ वर्क यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स, रफ वर्क क्या कर रहे हैं, रफ वर्क में थोड़ा हम लोग रफ वर्क करके सब्स्टिट्यूएंट को अच्छे से पहचान लेते हैं और उनकी नेमिंग भी कर लेते हैं। अच्छा, इतनी तो बेसिक IUPAC की अंडरस्टैंडिंग सभी को है कि हम लोग को नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप्स ऑफ कोर्स नज़दीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और 12 कार्बन के अल्केन को डोडोकेन बुलाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखते हैं, 3 नंबर पे आपको मिथाइल लगा हुआ दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड, 4 नंबर पे आपको एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ दिख रहा है, ये इमीडिएटली 1- दे दीजिए, ये इमीडिएट ये आ गया 2-, नेमिंग कीजिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, 1-methyl 2 कार्बन इथाइल। इसके बाद 6 नंबर पे आ जाइए फ्रेंड्स, ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ चुका है, चलिए फ्रेंड्स 1-2-3-, 2- पे क्या लगा हुआ है फ्रेंड्स, 2- पे लगा हुआ है मिथाइल, और 3 कार्बन को बुलाते हैं प्रोपाइल। तो ये रहा फ्रेंड्स, आपके सारे रफ वर्क हो चुके हैं, सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन बता दी आपने और सब्स्टिट्यूएंट का नेम भी कर दिया, अब बस आपको इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो चलिए देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे M है, यहाँ पर भी M है और यहाँ पर भी M है, ठीक है, यानी कि सारे के सारे के जो अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग जो आपका अल्फ़ाबेट है वो सेम है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इथाइल का E है, यहाँ पर प्रोपाइल का P है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मिथाइल को पहले लिख देते हैं, 3-methyl, 3-methyl, ठीक है फ्रेंड, पहले लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे M के बाद E आ रहा है और यहाँ पे M के बाद P आ रहा है, आप M के बाद E वाले को पहले लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 4-1-methyl ethyl। इसके बाद 6-2-methyl propyl 12 कार्बन डोडेकेन। कितना सिंपल था फ्रेंड्स, इतना बड़ा नाम इस मॉलिक्यूल का आ चुका है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी है। आ जाइए अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, नंबरिंग कहाँ से करेंगे तो फायदा रहेगा फ्रेंड्स, नंबरिंग कहाँ से करने में फायदा रहेगा, चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करके देख लेते हैं लेफ्ट टू राइट, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लेफ्ट टू राइट नंबरिंग किया फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है एक 5 नंबर पे आ रहा है और एक 6 नंबर पे आ रहा है और एक 9 नंबर पे आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, 11 11 प्लस 9 20,
राइट टू लेफ्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कहाँ कहाँ पे आ गया फ्रेंड्स, देखिए 3 नंबर पर आया, 6 नंबर पर आया और 7 नंबर पे आया, राइट, 3, 6 एंड 7, सो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16, तो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करना एज पर आई यूपीएससी सही है, लेफ्ट टू राइट गलत है, तो मैं ये जो पिंक नंबरिंग है उसको मैं जरा इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो हमारे दिमाग में, ओके चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और 1 नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, और अगर आपको मालूम हो ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, चलिए बताइए फ्रेंड्स ये जो 3 नंबर वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन है, यस यही है वो 3 नंबर वाला सब्स्टिट्यूएंट, जरा ध्यान से देखिए, करेक्ट, और वो 7 नंबर वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है फ्रेंड, 7 नंबर वाला ये देखिए यहां पर, करेक्ट, 7th नंबर सब्स्टिट्यूएंट्स को भी मैंने ऑलरेडी आपको नेमिंग सिखा दी है, ठीक है, बस अब आपको उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का नाम लिख देना है, तो वैसे अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर एडिशनली इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं, लेट मी राइट दीज नेम्स, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 नंबर पे लग गया 1-methyl ethyl, छह नंबर पे लग गया मिथाइल, 7 नंबर पे लग गया 1-methyl propyl, ठीक है फ्रेंड, यहां पे M है, यहां पर भी M है, यहां पर भी M है, तो डिसीजन नहीं हुआ, क्या ये कुछ हद तक वही सब्स्टिट्यूट, ओके ओके यहां पर सारे सब्स्टिट्यूट्स के सेम आ गए नाम, 1-methyl propyl, ठीक है वहाँ 2-methyl propyl था, ठीक है फ्रेंड्स सेम प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए इनका नाम आपको लिख देना है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 6-methyl, इसके बाद मिथाइल इथाइल को पहले लिखेंगे 3-1-methyl ethyl, 7-1-methyl propyl, 11-carbon undecane, सो ये रहा फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को नेम करने का प्रॉपर रूल और अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा जहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग को डिस्कस किया है विद सूटेबल एग्जांपल्स, ठीक है यही सारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, अगर आपने इनको अच्छे से नेम कर लिया तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, तो इन शॉर्ट इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, इस वीडियो का कंक्लूजन इतना है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को नेम करना सीख लो, और यही 5 और 6 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, और इसके बाद इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कॉम्प्लेक्स एल्केन के नेमिंग के टाइम प्रॉपर तरीके से अरेंज करके लिख दो, हो गया आपका कॉम्प्लेक्स एल्केन का नेमिंग यहाँ पर खत्म हो जाता है, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।